السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى أجمع يعني सीरीज़ का थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट है वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करके इस सीरीज़ को ख़त्म करने वाला हूँ इंशाल्लाह इसके बाद फिर दूसरी सीरीज़ शुरू करेंगे तो इसमें मेनली तो आ, मैंने दो हदीसें ली हैं और कुछ आ, कुरान के आयतें इसमें इंक्लूड की हैं जिसमें से ये दो हदीसें टॉप की और फिर वारीत के हिसाब से और कुरान को मजबूती से पकड़ने के हिसाब से बेस्ट हदीसें हैं तो पहली हदीस जो है वो हजतुल का ख़बा जो नबी सलाम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया जो आखिरी हज़ था नबी सलाम का उसके बाद नबीलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए सल असलम तो उस आखिरी हज में नबीम ने बहुत सारी बातें कं जिसमें से सबसे मेन बात जो है जो हमारे मुद्दे की भी बात है वो ये थी कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया ये हमें बोला कि मैं अपने बात तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ तो वो दो चीज़ें क्या हो सकती हैं आपको क्या लगता है अब बकर उमर ना वो दो चीज़ें जो सबसे भारी चीज़ है अल्लाह के नबी ने कहा मैं अपने बात तो मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ जिसमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब यानी किताबुल्लाह यानी ये क़ुरान और दूसरी भारी चीज़ मेरी सुन्नत जो आज के ज़माने में आज के हिसाब से बुक की फॉर्म में हम तक पहुँच चुकी है यानी किताबुल्लाह जो कुरान और नबी आम की सुन्नत यानी अदीस अल्लाह के नबी ने अपने बाद दो चीज़ें छोड़ के गए अल्लाह के नबी ने यह कह भी दिया कि मैं अपने बाद दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ एक अल्लाह की किताब है दूसरे उसके नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसको मजबूती से पकड़ के पकड़ के रखने के भी अल्लाह के नबी ने हमें तलकिन की हमें नसीहत की कि इसको पकड़ के रखना जो इसको पकड़ के रखेगा वो हिदायत पे होगा जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा यानी इसमें ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इन दो चीज़ों को यानी कि ताबुल्ल यानी कुरान और अल्लाह के नबी की सुनत यानी हदीसों को सही हदीस इन्हें पकड़ के रखेंगे तो हम हिदायत पर होंगे अगर हम इन्हें छोड़ देंगे इन दोनों को तो हम गुमराही के रास्ते पर चले जाएँगे और दूसरी हदीस सबसे इम्पॉटेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी वो हदीस इस और वन ऑफ़ द फेवरेट हदीस भी मेरी है वो और इस हदीस में पर्टिकुलर जो भी मैं कोट करने वाला वो हदीस है सही मुस्लिम में ये सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने इसको अपनी इस किताब में आ, रिपोर्ट किया है वो हदीस है ही बहुत अमेजिंग और उसमें कुरान के लिए वो वो अल्फाज अल्लाह के नबी ने फरमाए जो आई थिंक किसी और हदीस में नहीं है तो वो कुछ इस तरीके के अल्फाज हैं अल्लाह के नबी जब हजरतल से वापस आ रहे थे ये भी जो खुतबा है वो हजरतल्वा के बाद का है जब अल्लाह के नबी लौट रहे थे वापस तो अल्लाह के नबी जब वापस हजतुलदा से लौट रहे थे हज करने के बाद लौट रहे थे तो एक खुम नामी गाँव में इसको खुतबा गदीव खुम भी कहा जाता है ओके तो खुम नामी गाँव में अल्लाह के नबी के लिए ऊँट के पालान का मेंबर लगाया गया यानी ऊंट का जो होता है ऊपर में लगता है उसका मेंबर बना अल्लाह के नबी ने बड़ी कंक्लूडिंग उसमें बातें कहीं अल्लाह के नबी ने हम दो सलाद के बाद ये कहा कि ए लोगों आगा हो जाओ करीब है कि अल्लाह का कसद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ मैं अपने बात तुम्हें दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ मैं अपने बात तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ जिसमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी इसमें हिदायत है इसमें नूर है तुम इसको मजबूती से पकड़ो इसके साथ ताल्लुक अपना मजबूत करो जो इसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत करेगा वो हिदायत पे होगा जो इसे छोड़ देगा वो गुमराही पे हो जाएगा और ज़ैद जायदन अरकम जो इस हदीस के रावी हैं वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने तलकिन दिलाती है अल्लाह की किताब अल्लाह की किताब अल्लाह की किताब दूसरी भारी चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाए मैं अहले बैत इनशाला इस अहलबैद के टॉपिक पे हम मैं किसी और वीडियो में डिस्कशन करूँगा लेकिन अभी मेनली तो मेरा टॉपिक ये है कि हिदायत कुरान के रेफरेंस से यानी कुरान हिदायत कैसे तो अल्लाह के नबी ने दोनों जगह यही चीज़ फराम पहले जगह तो था हजतुलवादा के खुतबे में अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत यानी कुरान और हदीस लेकिन इस गदीर ख़ुम के खुतबे में अल्लाह के नबी ने वो दो भावी चीज़ें जो हम हमे, हमें हमें दे कर गए वो पहली भारी चीज़ थी अल्लाह की किताब जो अल्लाह के नबी ने ख़ुद उसकी डिटेलिंग कर दी कि मैं अपने बाद में दो भारी चीज़ें छोड़ के जाऊँ जिसमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब जो अल्लाह की रस्सी है इसको हिद, इसमें हिदायत है इसमें नूर है तुम इसके साथ अपना ताल्लुक मज़बूत करो अपना रिलेशनशिप इसके साथ, साथ इस्ट्रॉन्ग करो जो इसको पकड़ के रखेगा यानी इसके कहे पे चलेगा इसको थाम के रखेगा बिल्कुल मजबूती के साथ वो हिदायत पे होगा और जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा और दूसरी जो भारी चीज़ है वो अल्लाह के नबी के बैत है यानी नबी के घर वाले तो हमने दोनों को ही नहीं बख्शा ना हमने कुरान को पकड़ा ना अहल बैत को बख्शा ओके okay. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोचने वाली है कि जो अल्लाह के नबी हमें हम अपने बात छोड़ के गए जिस चीज़ को हमें मजबूती से पकड़ने के अला के नबी ने कहा उन चीजों को हमने पकड़ के ही नहीं रखा हालांकि हमारा ये ड्यूटी थी हमारी ये ड्यूटी थी कि हम उसे पकड़ के रखते हैं लेकिन हमने उसे पकड़ के ही नहीं रखा हमने दोनों चीज़ों को छोड़ दिया पहली दो चीज़ जो अल्लाह के नबी ने अल्दा के खुतबे में फरमाया था कुरान और सुन्नत इन दोनों को हमने पश से डाल दी डाल दिया छोड़ दिया इन दोनों को अब तो रमज़ान मुकम्मल हो चुका है आप देखें हम कितनी गम की बात है कि रमज़ान में तो हम डेली बेसिस पे हमारी रूटीन में कुरान था हम डेली बेसिस पे पांच वक्त की जो हम नमाज़ें पढ़ते थे उसमें हम कुरान की तलावत करते थे और भूले चुके हम तर्जमे भी पढ़ लेते थे लेकिन अब देखें क्या हमारी बदकस्मती है खुद की कि हमने कुरान भी छोड़ दिया यानी हमने सिर्फ रमज़ान के लिए कुरान रखा था जैसे ही रमज़ान का चांद देखा उसके बाद मुश्किल किसी ने कुरान को खोल के देखा होगा ये बहुत बड़ा लम्हा है, फिक्रिया है सोचने वाली बात है तो क्या हमने सिर्फ अल्लाह ने सिर्फ इसलिए कुरान दिया था कि हम सिर्फ रमज़ान में सवाब बटोर सकें वो तो एक पॉइंट है सवाब तो मिलना है लेकिन वो तो हिदायत के लिए भी थी ना किताब तो हमने रमज़ान के बाद पर कुरान खोल के भी नहीं देखा और दूसरा जो अल्लाह के नबी ने हमें नसीहत की वो हजतुल वदा के ख़ुतबे के बाद जो दूसरा ख़ुतबा था ख़ुतबा गदे ख़ुम जो ख़ुम नामी गांव में अल्लाह के नबी ने दिया उसमें भी दो भावी चीज़ें अल्लाह के नबी ने फरमाई पहली चीज़ अल्लाह की किताब और दूसरी भावी चीज़ अल्लाह के नबी के बैत नबी के घर वाले उनको भी हमने बख्शा नहीं है ओके अगली चीज़ अब मैं कुछ आयतें इसमें पेश करने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एक नुक़ा इसमें यह सोचने वाला कि जब अल्लाह के नबी ने कहा कि इसको पकड़ के रखना मजबूती के साथ इसी को कुरान भी फिर डिटेल करता है चैप्टर नंबर थ्री वर्स नंबर वन जीरो थ्री में अल्लाह फरमाते हैं कि वाह तसीम बेहबी ला जमी वफ़रकू अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फ़िरकों में मत बटो अल्लाह के नबी ने भी हमें यही नसीहत की कि अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से पकड़ना और इसी में आगे अल्लाह ने फरमा दिया कि जो कुरान को नहीं पकड़ेगा जो अल्लाह की रस्सी को छोड़ देगा वो फिर फ़िरकों में बट जाएगा हालाँकि हमारी ये ड्यूटी थी अल्लाह के नबी का एर्शाद को हम पकड़ के रखते अल्लाह के नबी की बातें हम उस तरीके से मान करके चलते हैं और अल्लाह की बात मानते हैं कि हम फिरकों में ना बटते हैं। उन दो चीज़ों को पकड़ के रखते कुरान और सनत को हमने ये नहीं किया तो इसी का जो रिज़ल्ट निकला यानी अल्लाह की वसी को छोड़ देने का रिजल्ट ये निकला कि हम फिरकों में बढ़ जाएं हालांकि इस चीज़ को लेके ये जो फ़िरका वारियत है इसको लेकर के अल्लाह ने बड़ी मजम्मत की हुई है कुरान में आगे मैं कुछ और आयतें कोट कर देता हूँ बता देता हूँ कि और कहाँ कहाँ अल्लाह ने यह चीज़ मना की है कि फ़िरकों में तुमने नहीं बटना अब सबसे इम्पॉटेंट बात अल्लाह ने यह भी फरमा दी कि फ़िरकों में जो बटने वाले उनसे अल्लाह के नबी का कोई ताल्लुक नहीं उनका कोई रिश्ता नहीं है वो कुरान की आयत कुछ इस तरीके से है शिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल वसम जिन लोगों ने अपने दीन में फिर बनाए उन उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं कोई रिश्ता नहीं आपका तुम तो हम कहाँ के रहें फिर कहीं के नहीं रहना यहाँ के रहें ना वहाँ के रहना दीन के इस दुनिया के हुए ना आखरत के हुए हैं हम और वो आयत कुछ इस तरीके से अगली आयत जो है वो चैप्टर थ्री वर्स नंबर वन जीरो फ़ाइव उसमें अल्लाह क्या फरमाते हैं और तुम उनकी तरह मत बनो जिन्होंने फ़िरका बंदी की यानी फ़िरके बना लिए और अपने पास खुली अहकाम आने के बाद भी बाहम इख्तलाफ़ किया और उन्हीं के लिए बहुत बड़ा अज़ाब है यानी जिन लोगों ने बंदी की हुई है फ़िरके बनाए हुए हैं फ़िरकों में हैं उनके जैसे नहीं बनना जो अल्लाह के नबी ने तुम्हें तुम तुम्हारे पास छोड़ के गए हैं किताबुल्ल और सुन्नत इसे पकड़ के फिरबंदी में मत पड़ो और ये जो बाहमी इख्तलाफ हैं अदर दें जो हम कुरान और सुन्नत निकाल के इख्तलाफ पैदा किए हुए हैं इसके अलावा जो हम इख्तलाफ किए वो अल्लाह तो फिर फैसला कर देना है ना क़यामत में हमारे लिए हमें खड़ा करके अल्लाह फैसला कर देगा अल्लाह आगे ये क्या कहता है इसमें भी अल्लाह ने आगे क्या फरमाया कि अपने पास यानी खुली अहकाम आने के बाद यानी कुरान और सुन्नत आने के बाद और अगर हम पिछली उम्मतों की बात करें तो पिछली उम्मतों के पास भी अल्लाह ने तीन किताबें नाजिल की थी तो ये तंजील जब्बूर ये आने के बाद उन लोगों ने इख्ताफ किया फ़िरके बनाए तो इस उम्मत का भी यही हाल है ना और फिर क्यामत के रोज़ अल्लाह जो है बड़ा बहुत बड़ा अजाब देने वाला है ऐसे लोगों को अगली जो आयत है वो चैप्टर नंबर सिक्स वर्स नंबर वन फिफ्टी नाइन बिलाशुबह जिन लोगों ने अपने दीन को अलग अलग कर लिया यानी फ़िरका बना लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं कोई रिश्ता नहीं है उनसे जिन लोगों ने फ़िरके बनाए हुए हैं बस उनका मामला अल्लाह के पास है यानी इनका फैसला अल्लाह ही नहीं कर देना है इनका जो फैसला इनके इनको जो डिसीजन इनका करना है ना वो अल्लाह कर देगा उस रोज़ क्यामत के दिन फिर उनको उनके आमाल से ख़बरदार करेंगे और फिर जो हम किया करते थे जो हम करते थे वो अल्लाह फिर बता देगा कि हम क्या करते थे और हमने क्या किया था तो बड़ी सोचने वाली बात है कि हम ये जो फ़िरका परस्ती में फ़िरका बंदी में पड़े हुए हैं हालांकि किताब और सुन्नत तो खुल करके इस चीज़ को डिग्रेड करती इस चीज़ को बिल्कुल बॉयकट करती है कि तुमने फ़िरकों में नहीं बंटना फ़िरक़ा परस्ती में नहीं पढ़ना तुम्हें वो बनना है जो अल्लाह के नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम मुसलमान बनना है कुरान तो भरा हुआ है कुरान हमें खिताबी करता है कि मुसलमान के नाम से हमें मुसलमान बनना है हनफ़ी मालिकी शाफी हम्बली नहीं बनना देवबंदी एह हदीस शीह ये नहीं बनो क्या बनो जो नबी नबीम थे जो सहाबा कमाम तुम्सम थे मुसलमान मुस्लिम अगली आयत वो दो आयतें हैं जो जिसमें बिल्कुल आ, मिलता जुलते अल्फाज हैं आखिरी के वो दो आयतें चैप्टर नंबर 23 वर्स 53 है और चैप्टर नंबर 30 वर्स 32 है उसमें भी अल्लाह ने इस फ़िरका बंदी के लिए फ़िरका परस्ती के लिए फ़िरका वारियत को अल्लाह ने डिग्रेड किया है कहा है कि तुमने इस चीज़ों में नहीं पढ़ना ओके अब इसमें मेरी आखिरी नसीहत अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि अब फ़िरके तो हैं तो पहली ड्यूटी हमारी ये है कि हम इन फ़िरका परस्ती से बाहर आएँ खालसता जो दीन अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया था उसको पढ़ें और वो दीन जो है आज के फॉर्म में फिजिकल फिजिकली अगर देखा जाए तो वो बुक के फॉर्म में अवेलेबल है कुरान और सुन्नत यानी अल्लाह की किताब कुरान और अल्लाह के नबी की, की सुन्नत यानी अहदीस सही हदीस जिसको हम कहें तो ये इस फॉम में अवेलेबल है तो हम इन दोनों चीज़ों को पकड़ के रखें पढ़ें समझें चले इतनी भी डिटेल नहीं कर सकते तो कुरान के तर्जु कम अज़ कम हम पढ़ लें ये अल्लाह कुरान में कहता क्या है हमने जो तसवुरा बनाए हुए जो विशुअल थिंकिंग बनाई हुई कि अल्लाह तो ऐसा है अल्लाह जो है वो सतह माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह है मोहब्बत करने वाला लेकिन क्या वो आ, अपने दुश्मनों के लिए वो सत् माओ की मोहब्बत है अल्लाह की नहीं अल्लाह इंतकाम लेने वाला है अपने दुश्मनों से जो अल्लाह के बन करके रहेंगे उनके लिए अल्लाह मोहब्बत करने वाला है ना जो अल्लाह के बागी हैं जो दुश्मन है अल्लाह के जो गद्दार हैं अल्लाह के और उसके रसूल के अज्जा वजल्ला वा वही वा वाल वसम उनको तो अल्लाह ने सत्ता माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता हाँ दुनिया में छूट दी भी है कि जाओ दुनिया में हमारे विल के ऊपर हमारी चीज़ें अल्लाह ने छोड़ा हुआ है कि जो जैसी विल है जैसा करो कि वैसा जो कुरान में आयत भी है इमा शाह के वाह इम्मा, वा इम्मा कफू चाहे तो शुक्र गुजारी के भविष्यार करो या न शुक्री की यानी चाहें तो हम नेक काम करें चाहे तो गलत काम करें या अल्लाह ने छोड़ दिया हमारे ऊपर दुनिया में लेकिन आखिरत में अल्लाताम लेने वाला झोंक देगा वो दोज़क में तो ये कब हमें समझ आएगा जब हम अल्लाह की किताब को पढ़ेंगे और आज के डेट में ये चीज़ ये जो बहाना हमारा एक था कि हमें तो अरबी आती ही नहीं ये ख़त्म हो गया पहली प्रायोरिटी फिर भी मैं कहूँगा पहली प्रायोरिटी आप कोशिश करें जद्दोजहद के आप दुनिया की हर भाषा सीखते हैं हर लैंग्वेज सीखते हो इंग्लिश हिंदी उर्दू जर्मन फ्रेंच चाइनीज़ So on, so far. ये भाषाएं तो आप सीखते हो इतनी मेहनतें करते हो क्या अरबी सीखने के लिए आप वो मेहनत नहीं कर सकते तो पहली प्रायोरिटी आप अरबी सीखो अगर नहीं कर सकते इफ तो फिर मैं कहूँगा कि आप तर्जुमों पर डिपेंड हो तर्जुमे तो कम अज कम पढ़ो जो तर्जुमे हो चुके हैं और दुनिया के मेजोरिटी लैंग्वेजेस में तर्जुमा आज कुरान का अवेलेबल है अब हमारे पास ये भी बहाना नहीं बचा कि हमारे अब कयामत के रोज़ जब अल्लाह हम अपने सामने खड़ा करके पूछेगा कि तूने मेरी किताब पढ़ी थी या समझी थी तो फिर हम ये बहाना नहीं कर सकते क्योंकि आज के डेट में हमारे पास तो अवेलेबल है ना हर लैंग्वेज में कुरान अवेलेबल है जो जो नहीं पढ़ सकता उसके लिए भी कुरान अवेलेबल है कैसे ऑडियोज़ में वीडियोज़ में कम से कम वो तो देखें ना वो वो तो सुने कम से कम उससे तो हिदायत हासिल करे लेकिन वही बात आ जाती है घूम के कि जो हिदायत चाहते हैं जिन्हें हिदायत चाहिए जो हिदायत का रास्ता पाना चाहते हैं उनके लिए अल्लाह ने हिदायत का रास्ता खोल दिया है और जो नहीं पाना चाहता जो नहीं चाहता हिदायत उसके लिए हिदायत कोई नहीं है हाँ इल्ला जिसको अल्लाह हिदायत दे दे जो अल्लाह कुरान में भी फरमाता है मई यह दिल्ल हो फला दिल्ला व मैं दिल्फला हादी अला जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कौन गुमराह कर सकता है और जिसको अल्लाह ही गुमराह छोड़ दे तो उसको कौन हिदायत दे सकता है तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अल्टीमेट जो हिदायत का सोर्स है जो हिदायत देने वाली जात है वो अल्लाह की है वो ज़रिए बनाता चाहे वो कोई शख्स हो जाए चाहे वो क़ुरान बने ये तो बिल्कुल बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान सरापा हिदायत है लेकिन वो हिदायत कब बनेगा हमारे लिए जब हम उसको सीरियसली सीरियसनेस के साथ सीरियसली हम उसको पढ़ेंगे समझेंगे कि कुरान कह क्या है अल्लाह क्या बात कर रहा है ये कुरान अल्लाह का आखिरी कलाम है यानी इस ज़मीन और आसमान का रिश्ता जो नबी सलाम के वजह से बना हुआ था वही के आ, ता, वही का जो ताल्लुक था वो अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने के बाद ये ताल्लुक ख़त्म हो गया अब हमारे पास यही बात बच गई यही चीज़ बच गई कि हम कुरान पढ़ें अल्लाह की जो आखिरी बात है अल्लाह ने जो हमें हमारी तरफ मैसेज भेजा है जो चिट्ठी भेजी है जो ख़त भेजा है वो हम समझे तो सही कम अज़ कम कि अल्लाह कहता क्या है इस चिट्ठी में इस किताब में अल्लाह ने बताया क्या है और जब हम ये पढ़ेंगे तो इन शह हमें ये पता चल रहा है कि अल्लाह की हमारी हमसे क्या मांग है अल्लाह डिमांड क्या करता है हमसे अल्लाह किसके लिए मोहब्बत करने वाला अल्लाह किसको जन्नत में डाक दा, दाखिल करेगा अल्लाह किसको दोजक में फेंकेगा अल्लाह की कमांडमेंट्स क्या अल्लाह ने किन चीज़ों से रोका और किन चीज़ों को करने के लिए कहा ये इस किताब ने हक़ और बातिल जो है बिल्कुल अलग अलग कर दिया जिस तरीके से हम केमिस्ट्री में कई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ज, जैसे कि अगर हम पानी में बालू मिला दें तो हम फिल्टर पेपर लगा करके उसे अलग कर लेते हैं तो वो फिल्टर पेपर जो है इस दोनों में फ़र्क करने वाली चीज़ हो जाती है यानी वो बातिल को जो पानी में एक्स्ट्रा चीज़ घुली थी उसको वो अलग कर देता उसी तरीके से जो हमारे ज़िंदगी में जो सही और गलत का फ़र्क करने वाली चीज़ है वो ये किताब है अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी तो मेरी आपको तो यही नसीहत होगी एडवाइस होगी कि आप पहली फ़ुर्सत में इस कल का भरोसा नहीं है ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं आप पहली फुर्सत में इस किताब को पेज बाय पेज वर्स बाय वर्स पढ़ें समझें और लोगों तक भी पहुंचाएं जो अल्लाह के नबी ने भी हमें कहा बल्ले गी वल्ल आया पहुँचा दो ख्वा तुम्हें एक ही आयत आती हो तुम्हें एक ही आयत समझ समझे तुम आगे पहुँचाओ ना इस उम्मत की जो इंपॉर्टेंस है जो अल्लाह क़ुरान में फरमाता सोहत इमरान में कि ये उम्मत जो है वो नेकी का हुक्म देती है और बुरे कामों से रोकती है तो इस उम्मत की इम्पोर्टेंस ये भी है कि हमारी ड्यूटी वो नबियों वाली है जो नबियों को काम मिला था वो काम अब हमने करना यानी दावत का काम तो जो हमें समझ आता है कुरान की बातें वो हम आगे पहुँचाएँ लोगों को बताएं जो कुरान कहता है या अयो लज़ीना आमनकू अनफ सिकम वाहली कुमन नारा ए लोगो बचाओ ख़ुद को यानी ये दीन सबसे पहले ख़ुद पे नाफज करो खुद पे खुद को कुरान के सामने पेश करो कि क्या मेरे अकीदे मेरा दिन मेरी रात मेरी डे टू डे मैं करता हूँ क्या वो कुरान के मुताबिक है अगर नहीं है तो पहली कोशिश हमारी ये होगी कि हम अपने आप को पहले सुधारें और दूसरी चीज़ जो इस आयत में डिस्कस हुई है वो अहली कुमनारा कुम व अहली कुमनारा यानी बचाओ खुद को और अपने घर वालों को और दूसरी चीज़ अपने घर वालों को आपने बचाना है। घर वालों को तबलीग करें पहले दीन को घर में तो आप नाफि करो ना पहले दीन जो अल्लाह ने अहकाम नाजिल किए हैं उसको घर में नाफिस करें घर में इम्प्लीमेंट करें उसके बाद आप बाहर निकलें इन अल्लाह ताली हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी फ़रमाएँ سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ المبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته